हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप विप्रो के एम्प्लॉय हो तो विप्रो आप लोग के लिए सबसे बिगेस्ट अपडेट लेकर आई हुई है, जिसके बारे में गाइस मैं आपके साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि विप्रो जो है अपनी एम्प्लॉय को 85% से ज़्यादा वेरिएबल पे करने जा रही है, और ये गाइस क्वार्टरली फॉर फिजिकल ईयर 24 के लिए रहने वाली है। तो गाइस, हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या और आप लोगों को प्रॉफिट मिलने जा रही है। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि जो इनकी हाइक से रिलेटेड अपडेट थी वो 1 दिसंबर 2023 से ही इन्होंने अनाउंस किया था, और उस दिन के बाद से ये अपनी जो भी हाइक के से रिलेटेड हुआ, वेरिएबल पे से रिलेटेड हुआ, ये नए नए अपडेट आप लोग लिए लाते रहते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आपको अगर जानना है कि आपको कितने वेरिएबल पे मिल सकते हैं, हाइक्स कितने मिल सकती है, तो सब कुछ गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो फिजिकल ईयर 24 के अलावा आप क्वार्टरली 3rd को देख लो या क्वार्टरली 2 को देख लो, उसमें क्या क्या आप लोग लिए अपडेट रही, सब कुछ गाइज मैं आपको इस वीडियो में एंड तक बताने वाला हूँ। तो अगर इम्प्लॉय हो या अगर आप फ्रेशर्स हो, जानना चाहते हो कि क्या क्या वेरिएबल पे मिलने वाले होते हैं विप्रो में, तो सब कुछ गाइज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग विदाउट इसके वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाइज आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हर एक रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पर आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइज वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सबको पता होगा कि जो आईटी इंडस्ट्री के एम्प्लॉय होते हैं, लाइक इन्फोसिस, विप्रो या अदर कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होते हैं, उनकी जो हाइक्स मिलते हैं, अवेलेबल पे मिलते हैं, ये इनकी परफॉर्मेंस बोनस हो गए, सब इनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग एम्प्लॉय के डिवाइड करके अलग अलग बोनसेस दिए जाते हैं, हाइक्स अवेलेबल पे मिलता है। लेकिन इसी दौरान गाइज, विप्रो ने अनाउंस किया है कि वो क्वार्टरली फोर्थ फिनेकल ईयर 2024 के लिए वो 85% से ज्यादा वेरिएबल पे देने जा रहे हैं। ये गाइज विप्रो एम्प्लॉय के लिए सबसे बिगेस्ट अपडेट है, और गाइज मैं बता दूं कि ये 1 दिसंबर 2023 से लागू हुआ था, और उसके बाद से जो भी एम्प्लॉय है उनको अलग अलग बेसिस पे अलग अलग वेरिएबल पे देने जा रही है। तो सब कुछ गाइज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना, ताकि जो भी मैं बताऊँ वो गाइज आपको सबसे पहले समझ में आ सके। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइज, जो भी विप्रो में एम्प्लॉय हैं और वो अपने वेरिएबल पे के लिए वेट कर रहे हैं, तो गाइज उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, और वो गाइज विप्रो ने अनाउंस कर दिया है कि वो क्वार्टरली फोर फिनेकल ईयर 24 के लिए अपने एम्प्लॉय को 85% से ज़्यादा वेरिएबल पे देने जा रहे हैं। तो गाइज हम लोग इसी टॉपिक पे इस वीडियो में डिटेल्स देखने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ से स्किप मत करना, एंड तक देखना, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से पता चल सके। तो गाइज आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, लिखा हुआ आफ्टर डिफरिंग सैलरी हाइक्स बाई फ्यू मंथ, द आईटी कंपनी गेव एनुअल रेजेज ऑफ 6 to 8% टू सिलेक्टेड एम्प्लॉय फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 टू बूस्ट मार्जिन। मार्जिन को बूस्ट करने के लिए इन्होंने सिलेक्टेड एम्प्लॉय को 6 से 8% की जो एनुअल जो इनकी हाइक्स थी वो उन्होंने दिया हुआ था। आगे लिखा हुआ द हाइक्स वेर इफेक्टिव दिसंबर 1 2022, जो कि गाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1 दिसंबर 2023 से इनकी हाइक्स से रिलेटेड जो अपडेट थी वो इफेक्टिव हुई थी। इसके अलावा गाइज आप लोग यहाँ देख सकते हो, लिखा हुआ है ड्यूरिंग फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 24 आईटी मेजर विप्रो पेड मोर देन 85% वेरिएबल टेक टू इट्स एम्प्लॉय। द कंपनी हैड पेड अ मोर देन 85% इन 3rd quarter एज वेल इन द फर्स्ट 2 quarter ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 एवरेज वेयर 80% एंड 81% रिस्पेक्टिवली। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो 1st quarter में इन्होंने जो वेरिएबल पे किया था वो 81% किया था, सेकेंड में 80% दिया था। लेकिन गाइज अगर 3rd quarter की बात करें तो एज लाइक 85% जो 4th quarter में देने जा रहे हैं, इतना ही लगभग इन्होंने 3rd quarter में भी पे किया था। तो ये गाइज आप लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट है कि ये जो है आप लोग के वेरिएबल पे को इनक्रीज भी कर रहे हैं। इसके अलावा गाइज आगे इन्होंने बोला कि इट इज ऑल्सो रिवील दैट द वेरिएबल पे फॉर द जनवरी टू मार्च क्वार्टर वाज पेड विथ मई सैलरी डे शेयर। उन्होंने कहा कि जो मई की सैलरी आई उसके साथ ही इन्होंने जनवरी से मार्च क्वार्टर के जो वेरिएबल पे थे उनको इन्होंने पेड कर दिया। अब विप्रो फुल्स स्ट्राइड क्लाउड एम्प्लॉय सेट ही हैड एन एवरेज वेरिएबल पे ऑफ नियरली 90% इन दिसंबर क्वार्टर फॉर हिज कंपनी लाइन विच अकाउंट्स फॉर ओवर अ 3rd ऑफ द कंपनी रेवेन्यू एंड एम्प्लॉय अराउंड 80,000 पीपल, ऐसा इन्होंने बोला। आगे बोला कि फॉर द 4th quarter एंडेड मार्च 31 इट वॉज मोर देन 93%। ये भी गाइज आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। इसके बाद गाइज आगे इन्होंने बताया, आफ्टर डिफरिंग सैलरी हाइक्स बाई अ फ्यू मंथ
द आईटी कंपनी गेव एनुअल रेजेज ऑफ 6 to 8% टू सिलेक्टेड इम्प्लॉय फाइनेंशियल ईयर 24 टू बूस्ट मार्जिन। तो गाइज इन्होंने जो सैलरी हाइक डिफर होने के बाद से आईटी कंपनी जो है अपने सिलेक्टेड इम्प्लॉय के 6 से 8% रेज किया ताकि जो मार्जिन है उसको बूस्ट किया जा सके। द हाइक वेयर इफेक्टिव December 1, 2020, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा गाइज आप लोग यहाँ देख सकते हो और भी, जैसे कि अर्लियर में इन्फोसिस अवार्डेड इस क्वार्टरली परफॉर्मेंस इंसेंटिव टू द वर्कर इन बैंड 6 and lower फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर लास्ट मंथ। इन्फोसिस में भी जैसा हुआ था उसी तरह से गाइज अदर हैंड में देखो तो एवरेज सैलरी जो था फॉर लास्ट क्वार्टर फिजिकल ईयर 24 डिक्रीज हो गया था 73% टू 60% फॉर अक्टूबर दिसंबर पीरियड के लिए, लेकिन गाइज इट हैड पेड 75% 80% रिस्पेक्टिवली इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल 24। तो ये गाइज इन्फोसिस की रही। इसके अलावा गाइज आप आगे भी देख सकते हो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है इन्होंने कंसिस्टेंटली पे की 100% बोनस टू अपने जूनियर्स को इन्होंने किया। हाउएवर इट हैज नाउ लिंक्ड इट्स वेरिएबल पे टू इट्स एम्प्लॉय कमिंग टू द ऑफिस। इसके बाद गाइज इन्होंने अपने वेरिएबल पे को इम्प्लॉय की अगर जो ऑफिस आते हैं उनसे लिंक कर दिया कि जो ऑफिस आएगा उनको ही मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हाई से रिलेटेड थी और विप्रो आप लोग के लिए सबसे बिगेस्ट अपडेट लेकर आई है। तो ये गाइज आप लोग के लिए सबसे गुड न्यूज़ है कि आपके जो वेरिएबल पे हैं वो 85% से ज़्यादा देने जा रही है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। तो अगर आप इम्प्लॉय हो या फ्रेशर्स हो तो ये आप लोग जान लेना जो भी चीज़ मैं बताया। तो चलिए गाइज आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।